आपको याद होगा कैसे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने चुनाव जीतने के बाद अपनी सरकार के एजेंडे में मोदी सरकार की नकल की थी। यहां तक कि पाकिस्तान की नई सरकार की कई योजनाएं पीएम मोदी की योजनाओं की ही नकल थी। अब एक बार फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीएम नरेंद्र मोदी की नकल की है और इस बार पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान की पाकिस्तान में नकल की गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि अगले 5 सालों में वो पाकिस्तान को यूरोप से भी ज्यादा साफ सुथरा बनाने की कसम खाते हैं। उन्होंने शनिवार को औपचारिक रूप से इस प्रोग्राम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ झाड़ू उठाकर कूड़ा साफ किया और इस सफाई कार्यक्रम की शुरुआत की। इस तरह से वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉपी करते दिखाई दिए। इस पहल की शुरुआत करते हुए इमरान खान ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित देशों में पाकिस्तान 7वें नंबर पर है, जबकि लाहौर सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में शामिल है। यूरोप में बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, लेकिन हमारे देश में लोग कहीं भी गंदगी फैला रहे हैं और अपने भविष्य को जानबूझकर बर्बाद कर रहे हैं। प्रदूषण किसी भी इंसान की जिंदगी से 11 साल घटा देता है। हमें पाकिस्तान के नागरिकों से इस तरह के माइंडसेट को हटाना होगा और इसे क्लीन बनाना होगा। इमरान खान ने अपने ट्वीट पर पाकिस्तान के युवाओं को संबोधित करते हुए उन्हें सफाई अभियान में शामिल होने के लिए आह्वान किया। उन्होंने लिखा, अगले 5 सालों तक यहाँ की हवा, नदियाँ, जमीन को साफ करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही अधिक से अधिक पेड़ लगाकर पाकिस्तान को ग्रीन पाकिस्तान बनाना है। मैं सभी देशवासियों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह करता हूँ। तो देखा आपने कैसे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान हर चीज में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करते देखे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।